नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो हाजिर हुए हैं दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों का अध्ययन विस्तृत रूप से करें निवेदन रहेगा, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है आज दिन भर की प्रमुख खबरें। भूस्खलन से राज्य में 135 सड़कें ठप, 132 बिजली ट्रांसफार्मर व 54 जलापूर्ति स्कीमें विवादित। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में बारिश का कहर लगातार जारी है। राजधानी शिमला में सुबह से रुक रुक कर बारिश का दौर जारी रहा। मानसून सीजन के दौरान प्रदेश के मौसम में बड़ी ठंडक के बीच आज रोहतांग में हल्का हिमपात हुआ। जगह जगह भूस्खलन के चलते आज सुबह 10 बजे तक राज्य में एक नेशनल हाईवे सहित 135 सड़कें यातायात के लिए ठप थीं। एक पुल भी बाधित है। राज्य में 132 बिजली ट्रांसफार्मर भी प्रभावित हैं। इससे कई भागों में बिजली आपूर्ति ठप है। इसके अतिरिक्त 54 जलापूर्ति स्कीमें भी ठप पड़ी हैं। सबसे ज़्यादा सेवाएं शिमला, मंडी, कुल्लू व सिरमौर जिले में प्रभावित हैं। बारिश के चलते भूस्खलन से निगुलसरी में रामपुर किन्नौर NH5 ठप है। राजधानी शिमला में भारी बारिश से कई जगह भूस्खलन हुआ है, कई भवनों को भी नुकसान हुआ है। गर्व का पल, हमीरपुर जिला की दो बेटियों ने भरी सफलता की उड़ान, सेना में बनी लेफ्टिनेंट। हमीरपुर जिला की दो बेटियों ने भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बनकर न केवल अपने गांव व जिला बल्कि पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है। बेटियों की सफलता से जहां परिजन अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, तो वहीं दोनों के क्षेत्रों में भी खुशी की लहर दौड़ गई है। जानकारी के अनुसार टोनी देवी तहसील के ओहर गाँव की रहने वाली शिप्रा ठाकुर का चयन भारतीय सेना में बतौर लेफ्टिनेंट के पद पर हुआ है। शिप्रा ठाकुर सिक्की में अपनी सेवाएं देंगी। शिप्रा ठाकुर के पिता रामनाथ ठाकुर सरकारी स्कूल में अध्यापक हैं, जबकि माता निशी किरण ठाकुर गृहिणी हैं। किसान आंदोलन पर टिप्पणी के कुछ दिनों बाद कंगना रनौत ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से की भेंट। किसानों के विरोध पर अपनी विवादास्पद टिप्पणी के लिए फटकार लगाने के कुछ दिनों बाद भाजपा सांसद कंगना रनौत ने आज नई दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनके आवास पर मुलाकात की। PTI के अनुसार यह दूसरी बार है जब रनौत ने भाजपा अध्यक्ष से मुलाकात की है, क्योंकि उन्होंने इस सप्ताह की शुरुआत में 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन पर अपनी अपमानजनक टिप्पणी से विवाद खड़ा कर दिया था। बता दें, मंडी से सांसद ने सोमवार को हिंदी दैनिक अखबार के साथ अपने साक्षात्कार की एक क्लिप पोस्ट की थी, जिसमें उन्होंने सुझाव दिया था कि भारत में बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा हो सकती थी, लेकिन देश के मजबूत नेतृत्व के कारण ऐसा नहीं हो सका। इसके बाद उन्होंने आरोप लगाया कि अब निरस्त हो चुके 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान लाशें लटक रही थी और बलात्कार हो रहे थे। 17 लाख की ठगी मामले में पुलिस को मिली सफलता, नाइजीरियन आरोपी दिल्ली से गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश स्टेट CID के साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन मध्य खंड मंडी ने एक साइबर ठगी के मामले में आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। पुलिस ने 17 लाख रुपए की ठगी के आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार किया। यह गिरफ्तारी साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन मंडी की टीम द्वारा निरीक्षक संजीव कुमार की अध्यक्षता में की गई। वहीं इस मामले में एक नाइजीरियन मूल के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जिसने फेसबुक पर एक जाली ID बनाकर शिकायतकर्ता को ठगा था। आरोपी ने खुद को एक विदेशी लड़की के रूप में पेश किया और शिकायतकर्ता से दोस्ती की। इसके बाद आरोपी ने उसे विश्वास दिलाया कि वो भारत आकर दिल्ली में कस्टम ऑफिस द्वारा पकड़ा गया है और उसके पास बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा है। इस बहाने से आरोपी ने कस्टम चार्जेस और अन्य विभिन्न प्रकार के शुल्कों के नाम पर शिकायतकर्ता से कुल 17 लाख रुपए की ठगी की। CM सुक्खू बोले, ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र का 2025 के अंत तक निर्माण होगा पूरा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा सचिवालय में ऊर्जा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सोलन के नालागढ़ में निर्माणाधीन 1 मेगावाट क्षमता के ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र की प्रगति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्माण प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि परियोजना के लिए निविदा शीघ्र आवंटित की जाए और वर्ष 2025 के अंत तक प्लांट के निर्माण कार्य को पूरा करने की समय सीमा निर्धारित की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार हिमाचल को 31 मार्च 2026 तक हरित ऊर्जा राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। शराब दुकानों के आवंटन पर हंगामा, न्यायिक जांच मांगते हुए विपक्ष ने किया वॉकआउट।
हिमाचल प्रदेश में शराब दुकानों के आवंटन को लेकर आज विधानसभा सदन में खूब हंगामा हुआ। भाजपा विधायकों ने मामले की न्यायिक जांच मांगते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। भाजपा ने एक साल में 100 करोड़ रुपए का राजस्व कम होने का हवाला देते हुए शराब घोटाले का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पलटवार करते हुए भाजपा के 5 साल में 665 करोड़ और हमारे 1 साल में 485 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होने की बात कहते हुए आरोपों को नकारा। मुख्यमंत्री ने भाजपा पर राजनीतिक रोटियां सेंकने का आरोप लगाते हुए पूर्व सरकार की शराब दुकानों का नवीनीकरण करने योजना पर भी सवाल उठाए। कहा कि भाजपा विधायक इस मामले को लेकर उन्हें लिखकर देंगे तो जांच के बारे में विचार किया जाएगा। वहीं प्रश्नकाल के दौरान भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने बीते वर्ष के रिजर्व प्राइज का जिक्र कर टेंडर आवंटन में मिली भगत का आरोप लगाया। रणधीर ने कहा कि प्रदेश में आबकारी नीति को बदलकर शराब घोटाला किया गया है। 5 आबकारी जिलों शिमला, कांगड़ा, नूरपुर, चंबा और ऊना में रिजर्व प्राइस से कम बोली लगाई गई। सिरमौर, बिलासपुर मंडी में रिजर्व प्राइस के बराबर बोली हुई। नई यूनिट्स का गठन शराब के ठेकेदारों को लाभ देने के लिए किया गया। इन आंकड़ों से साफ है कि सरकारी संरक्षण में घोटाला किया गया है। सीएम सुक्खू बोले, शिमला से कुछ विभागों को दूसरे जिलों में शिफ्ट करने का है विचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राजधानी शिमला में कार्यालयों का भार कम करने के लिए कुछ विभागों को शिफ्ट करने पर विचार चल रहा है। जिला मुख्यालयों में कई सरकारी कार्यालय खाली हैं। आज प्रश्नकाल में कांग्रेस विधायक संजय रतन ने सरकारी कर्मियों के लिए आवास की कमी का मामला उठाया। कहा कि मंत्री के आवास में अफसर और अफसरों के आवास में न्यायिक अधिकारी रह रहे हैं। जो भवन जिस पद के लिए है उसे वो नहीं दिया गया है। कई अफसरों के शिमला में अपने मकान है, इसके बावजूद वो सरकारी भवनों में रह रहे हैं, अपने मकान किराए पर चढ़ाए हैं। विपक्ष नेता मुकेश अग्निहोत्री बोले, हिमाचल के 5,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट केंद्र के पास पेंडिंग। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश के लगभग 5,000 करोड़ के प्रोजेक्ट केंद्र से पास पेंडिंग है। 2,531 प्रोजेक्ट को निवेश के लिए मंजूरी मिली है लेकिन पैसा नहीं मिल रहा है। नदियों व खड्डों की चैनलाइजेशन को लेकर विपक्षी सदस्यों के सवालों पर सदन में उन्होंने यह जानकारी दी। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि ब्यास के तटीयकरण के लिए 3,000 करोड़ का प्रस्ताव बनाया जा रहा है। केंद्र सरकार को पहले भी यह प्रस्ताव भेजा गया था लेकिन उन्होंने इस साल हुए नुकसान को भी इसमें शामिल करते हुए नया प्रोजेक्ट भेजने को कहा है, जिस पर काम जारी है। अगले 2 महीनों के वेतन और भत्ते नहीं लेंगे मुख्यमंत्री, मंत्री और सीपीएस। मुख्यमंत्री, मंत्री और मुख्य संसदीय सचिव सीपीएस अगले 2 महीने का वेतन और भत्ते नहीं लेंगे। इन्हें विलंबित किया गया है, यानी बाद में जारी किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है। ऐसे में उन्होंने खुद मंत्रियों और सीपीएस के वेतन और भत्ते 2 महीने तक विलंबित करने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त वो सभी सदस्यों से भी अपने वेतन एवं भत्ते स्वेच्छा से विलंबित करने का आग्रह करते हैं। मुख्यमंत्री ने आज सदन में वक्तव्य देते हुए बताया कि हिमाचल की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है। इसके कई कारण है। राजस्व घाटा अनुदान वर्ष 2023-24 में 8,058 करोड़ रुपए था, जो इस वर्ष 1,800 करोड़ कम होकर 6,258 करोड़ रुपए रह गए हैं। तो ये रही दिन भर की प्रमुख खबरें। तो ताजा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।